औद्योगिक नगरी पीथमपुर के संजय जलाशय तालाब का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। अभी गर्मी ने दस्तक ही दी है और तालाब लगभग 60% सूख चुका है। देखा जाए तो इस तालाब से पूरे क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों, रहवासियों और आबादी क्षेत्र को भी पानी की पूर्ति की जाती है। पीथमपुर में करीब 1000 से ज्यादा छोटे बड़े उद्योग इस जलाशय के पानी पर ही निर्भर हैं, जिसमें कुछ उद्योगों का पानी के बिना उत्पादन प्रभावित होता है। ऐसे में संजय जलाशय का लगातार जलस्तर कम होना पीथमपुर के उद्योगों के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन शहर में रहवासियों के लिए एक बड़ी चिंता है। लगभग हर वर्ष कंपनियां गर्मियों में निजी टैंकरों से अपनी पानी की जरूरत को पूरा करती है। इस बार अल्प वर्षा के चलते वैसे ही तालाब अपनी क्षमता से कम भर पाया है। अब देखना होगा कि नगरीय प्रशासन इस ओर ध्यान देकर आगे आने वाली पानी की समस्या का किस प्रकार हल निकलता है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये जो अपने संजय जलाशय तालाब का जलस्तर, अभी गर्मियां शुरू हुई है और जलस्तर लगातार गिर रहा है, आगे नगर पालिका द्वारा किस तरीके से शहर में जलापूर्ति की जाएगी, इसके लिए क्या प्रयोजन? नगर पालिका की पूरी गंभीरता से तैयारी है और नगर पालिका ने माननीय कलेक्टर महोदय को प्रस्ताव भेजा कि जो AKVN द्वारा संजय जलाशय से जल लिफ्ट करके औद्योगिक इकाइयों को सप्लाई किया जाता, तो गर्मी के दिनों में प्राय जिला प्रशासन जो है औद्योगिक इकाई को जो NPKVN जल लेता है वो रोक देता है। माननीय कलेक्टर महोदय ने रोक लगा दी है और अभी संजय जलाशय में पर्याप्त पानी है। दूसरा, नर्मदा का भी पानी पीथमपुर में चल रहा है, कंटिन्यूशन आ रहा है। उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं डली है वहाँ टैंकरों की भी व्यवस्था की हुई है और पूरी तरीके से जल की समस्या से निपटने के लिए नगरपालिका ने पूरी तैयारी कर रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।